Whatever be the circumstances in life, the affair of the world will go on forever. Do not leave practice of meditation. जीवन में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कामकाज तो हमेशा ही चलते रहेंगे, लेकिन इसके कारण आप ध्यान करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला और अगर आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। बात करूंगा सर्दियों में कुछ ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिससे कई बीमारियां दूर कर सकते हैं। इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो बताना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फलों का सेवन करना हमेशा ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन इन सर्दियों के मौसम में कुछ ऐसे फलों के बारे में बात करूंगा जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है, साथ साथ कई बीमारियों से भी आपको निजात दिलाती है। तो बात करेंगे सर्दियों में इस मौसम में जो ऐसे फल हैं उनमें क्या क्या गुण और फायदे हैं जो आपको स्वस्थ रखते हैं। सर्दियों में नाशपाती का सेवन काफ़ी किया जाता है। इसके अंदर में विटामिन ई, सी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में सूजन की समस्या को कम करते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो आंतें होती हैं उनको भी ये स्वस्थ रखते हैं। उसके साथ ही ये हमारे वजन को कम करने में भी हमारी मदद करता है। तो आपको अगर नाशपाती मिलते हैं तो आप जरूर इसका सेवन करें। अमरूद का सेवन भी सर्दियों में जरूर करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर में विटामिन सी और पोषक तत्वों से ये भरपूर पाया जाता है जो आपके पेट को साफ करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ सर्दी और जुकाम से भी आपको बचाता है। तो आपको अमरूद का सेवन जरूर करना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो, पेट भी साफ हो और सर्दी जुकाम से भी आप बचें। इन सर्दियों में आपको अनार का सेवन भी खूब करना चाहिए क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, नियंत्रण में लाता है, साथ ही साथ आपके शरीर में खून की कमी को भी ये पूरा करता है, वजन को कम करने में आपकी मदद करता है और त्वचा में आपके निखार लाता है। तो सर्दियों के मौसम में आपको अनार का भी सेवन जरूर से जरूर करना चाहिए। सर्दियों का जो सीजनल फल है वो है संतरा। ये स्वाद में खट्टा होता है तो इसे आप शाम को और रात को ना सेवन करके दिन में इसका सेवन करें। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आपको सर्दियों के मौसम में जो सीजनल फल है संतरे का सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें न शाम को न रात को, सिर्फ दिन में। शरीर को मजबूती देने में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आलू बुखारा का बहुत ही बड़ा योगदान है। जी हाँ, इन सर्दियों में अगर आप आलू बुखारा का सेवन करते हैं तो आपको ये बहुत फायदा देता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये आपके शरीर को मजबूती तो देता ही, साथ साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इन सर्दियों में आप इन सारे फलों का सेवन जरूर से जरूर करें ताकि आप हेल्दी और स्वस्थ रह सके। मेरे इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।